हाय फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे एकदम मस्त मजेदार सियाड़ा स्पेशल भरल बैंगन की सब्जी। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड, मस्त मजा की सियाड़ी की ठंडी पड़ने लगी है, तो ठंडी की सीजन में मस्त मस्त ऐसा बैंगन आने लगा है। तो अब हम बनाएंगे भरल बैंगन की सब्जी। तो चलो, पहले हमने एक पैन ले लिया है, तो इसके अंदर तिल ऐड करेंगे। तिल ऐड करने के बाद मूंगफली के दाने हम ऐड करेंगे थोड़ा। हम ये सीक्रेट मसाला बनाते हैं, किसी को बताना मत। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हरियाली मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितनी। तो ये तीनों चीजों हमने ऐड कर दी है। इसको हम एकदम मीडियम फ्लेम पर इसको सेक लेंगे। और इसके अंदर मैंने कोकोनट का बुरांदा भी ऐड कर दिया है, वो तो मैं भूल ही गई थी आपको बताना। तो ये चारों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर सेक लिया है। ये सब का हमने ग्रेवी बनाकर, पाउडर फॉर्म में बनाकर सब्जी में डालोगे ना, तो सब्जी का टेस्ट एकदम मस्त चेंज हो जाएगा। शायद ये भरेल ही बना रहे हैं हम बैंगन की सब्जी, चिरी वाली। शायद रेगुलर सब्जी में भी आप डालोगे ना ये मसाला, तो भी सब्जी बहुत मस्त बनती है। तो उसको मैंने अच्छी तरह से सेक लिया था, उसको हम मिक्सर जार के अंदर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से हम क्रश कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने एकदम मस्त तरीके से क्रश कर लिया है। तो अब हम मिक्सर जार के अंदर ये 94 आता है मिक्स, वो ले लेंगे, क्योंकि मुझे तो सब्जी के अंदर ये 94 का ही फ्लेवर अच्छा लगता है, वो खाने में बहुत मस्त लगेगा, आप ट्राई करना। उसको भी मैंने क्रश कर लिया है। और सब्जी को मैंने काट के रखा था लंबे लंबे चीनी के अंदर। तो एक पैन में फिर से हम ऑयल गरम कर लेंगे। हमारा ऑयल गरम हो गया है, तो इसके अंदर मैंने राई ऐड कर दी है। अच्छी तरह से राई गरम हो जाए तो कड़ी पत्ता मैंने ऐड कर दिया है मस्त तरीके से, और हींग ऐड कर दी है। और बैंगन ऐड कर देंगे हम इस तरह से लंबे लंबे चीरी के फॉर्म में। हमको बैंगन को कट करना है, उसको खास ध्यान रखना है आपको, तभी सब्जी अच्छी लगेगी हमको खाने में भरे। आपको लगेगा ही नहीं कि छोटे छोटे बैंगन हम भर के बनाते हैं ना, इस तरीके से ही टेस्ट आएगा इस ये सब्जी में भी। तो इसके अंदर मैंने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर दी है, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऑयल के अंदर हम उसको पकने देंगे। आप देख सकते हो
कि हमारी सब्जी थोड़ी थोड़ी पकने लगी है तो इसके अंदर से ऑयल भी अलग पड़ने लगा है थोड़ा सा। इसको इसी तरह से हम ऑयल के अंदर ही पकने देंगे थोड़ी देर। तो अब हम इसके अंदर जो मसाला हमने बनाया था ना वो ऐड कर देंगे और जो चवाणों का हमने बनाया था मसाला वो भी ऐड करेंगे। और ऊपर से लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, लाल चटनी और धनिया जीरा पाउडर ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमारा मसाला थोड़ा पक जाए इसके बाद हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और रसा बनाएंगे। आप सोचते होंगे कितना ड्राई साग क्यों बनाया, मगर नहीं, थोड़ा सूखा वाला साग ही बनाना है मगर थोड़ा सा रसा तो चाहिए, तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें रसा करेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। आप देख सकते हो हमारी एकदम मस्त सूखी वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे और ऊपर से हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। तो कैसी लगी हमारी एकदम मस्त मजे की सब्जी? चलिए फ्रेंड, हमने मस्त मजा की बरर बैंगन की सब्जी बनाकर तैयार कर ली है। तो इस रेसिपी पर लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।